हेलो गाइस, इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग अपस्टॉक्स मोबाइल के ऊपर। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अपस्टॉक्स में यहाँ पर आपको स्विच करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप यहाँ पर इन्वेस्टर मोड से आप ट्रेडर मोड में जा सकते हैं और ट्रेडर मोड से आप यहाँ पर इन्वेस्टर मोड में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से स्विच करेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अपस्टॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर क्या हूँ, ट्रेडर मोड में ओपन है। ठीक है, जब आप ट्रेडर मोड में देखेंगे तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो दिखेगा। ऑर्डर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो भी आपके ऑर्डर होंगे वो यहाँ पर दिख जाएंगे। माई लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पर आपकी जो वॉच लिस्ट होगी, जो भी आपने शेयर्स को ऐड किया होगा वो आपका दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीपल वॉच लिस्ट को आप यहाँ पर बना भी सकते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका माई लिस्ट में आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट मिल जाता है, ऑर्डर्स में आपको यहाँ पर ऑर्डर्स मिल जाते हैं, पोर्टफोलियो में आप यहाँ पर पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में हैं और आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना रिटर्न मिला है और कितना आपका करंट वैल्यू है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका डिस्कवर का ऑप्शन दिया तो डिस्कवर पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका स्टॉक्स प्लस आईपीओ दिया हुआ है, म्यूचुअल फंड दिया हुआ है, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये आपको मिल जाते हैं काफ़ी ऑप्शंस, जैसे कि माई अकाउंट के बारे में, प्राइसिंग प्लान दिया हुआ है, रिवार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है स्विच टॉगल का ऑप्शन। ठीक है, जो देख सकते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर ओपन किया हुआ है ट्रेडर वाला। ट्रेडर के लिए क्या होता है कि हमको यहाँ पर वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड करना होता है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर माई लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट दिख जाएगी। किसी भी शेयर को बाई सेल करना है तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर बाई और सेल का ऑप्शन मिल जाता है, तो इनका यूज करके आप इसको बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडर के लिए ये आप मोबाइल एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको एज ए इन्वेस्टर के लिए तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अकाउंट सेक्शन पर आना है और यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर टॉगल का ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है स्विच टू अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो ये मैंने अब इन्वेस्टर पर क्लिक कर दिया है और ये लिख किया गया है कि अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे के जो ऑप्शंस हैं वो सारे बदल गए हैं। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलने लगा है होम का, होम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पहला पोर्टफोलियो दिख जाएगा और यहाँ पर स्टॉक्स वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ पर डिस्कवर मोड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है कि ये आपको इन्वेस्टर के रूप में दिखाता है। दूसरा दिया हुआ स्टॉक्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पोर्टफोलियो दिखता है। और यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर टुडे हाइलाइट्स में यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ क्या हुआ वो यहाँ पर आपका दिख जाएगा। आईटी से कौन कौन से शेयर यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में हाई पे गए हैं वो यहाँ पर आपका दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका दिया हुआ बैलेंस कि अभी आपके बैलेंस कितना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे यहाँ पर योर इन्वेस्टमेंट में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आपका दिख जाएगा। तो ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। प्लस का यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टर हैं तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ पर वन टाइम बाई करना चाहते हैं या फिर एसआईपी करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इस म्यूचुअल फंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो इनको देख लीजिएगा। और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि आप किस तरीके से यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर सबसे राइट में मोर का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करके, जैसे कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिक्स इन्वेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर टॉगल करना है तो मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से टॉगल करेंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर आपको फिर से ट्रेडर मोड में जाना है तो यहाँ पर होम पेज पर जाएंगे और सबसे ऊपर यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से टॉगल का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप टॉगल करके यहाँ पर इन्वेस्टर से ट्रेडर और ट्रेडर से इन्वेस्टर में स्विच कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पर किस तरीके से टॉगल करेंगे और दोनों को किस तरीके से आप यूज करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।